हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ। क्लास नाइन्थ है और एक्सरसाइज है हमारी 10.2। एक्सरसाइज 10.2 में हमारे पास क्या है, देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रिकॉल द टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ़ दे हैव सेम रेडियस है। रिकॉल द, क्या बोला गया है कि दो सर्कल हैं हमारे पास और दोनों हमारे पास कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। इफ़ दे हैव द सेम रेडियस, अगर उन दोनों की रेडियस है वो सेम है। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स सबस्टेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। ये प्रूव करना है कि हमारे पास जो दो सर्कल हैं वो इक्वल दे रखे हैं, मीन्स दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, कॉन्ग्रेंट है और सेम रेडियस है। तो प्रूव करके दिखाना इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल, कॉन्ग्रेंट जो सर्कल है उन पर जो कॉर्ड हमने ड्रॉ कर रखी, यहाँ सी डी है, यहाँ ए बी कॉर्ड है। सबस्टेंड इक्वल एंगल, जो एंगल बनाती है किसके साथ, सेंटर के साथ है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ, यहाँ जो एंगल बनेगा यहाँ, ये दोनों भी क्या हैं, इक्वल हैं। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। देखो ये दो हमने सर्कल ड्रॉ कर लिए। सबसे पहले ये हमारे पास एक सर्कल है और इसका सेंटर ओ है हमारे पास, ए और बी हमारे पास कोई भी एक कॉर्ड है, ओ से बी और ओ से ए हमारे पास रेडियस हो जाएगी। इसी तरह से सेकंड सर्कल है ओ डैश, इसका सेंटर है, इसका नाम हमने ओ डैश रख लिया और सी डी हमारे पास एक कॉर्ड है, ओ डैश सी ओ डैश डी, ये हमारे पास दोनों इक्वल हैं क्योंकि दोनों रेडियस हैं हमारे पास। गिवन में क्या है, टू कॉन्ग्रेंट सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ डैश, दो हमारे पास कॉन्ग्रेंट सर्कल हैं, सेंटर है ओ और ओ डैश, ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड, ए बी और सी डी दोनों कॉर्ड इक्वल हैं ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ डैश, और दोनों में सेंटर क्या है, ओ एंड ओ डैश पर दो कॉर्ड ड्रॉ कर रखी हैं। अब प्रूव क्या करना है, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी हमारे पास ये आ जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या है, एंगल सी ओ डैश डी, ये हमारे पास है। ये दोनों एंगल हमें क्या दिखाने हैं, इक्वल दिखाने हैं कि दोनों जो कॉर्ड हैं, कॉर्ड से हमारे पास जब रेडियस पे ड्रो करते हैं, सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं दोनों कॉर्ड के, तो हमारे पास जो एंगल बनता है, सबस्टेंड एंगल है, वो इक्वल है। ये प्रूव करना है कि दोनों एंगल इक्वल हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल्स, अब हमारे पास ट्रायंगल क्या है, दो ट्रायंगल है हमारे पास ए ओ बी एंड सी ओ डैश डी, ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास क्या क्या गिवन है, देखो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमारे पास गिवन है कि दोनों जो सर्कल्स हैं, दोनों सर्कल्स पे हमने जो कॉर्ड ड्रॉ कर रखी है वो हमारे पास क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो हम क्या लिखते हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमारे पास क्या है, गिवन। दूसरा हमारे पास क्या है, ए ओ ए और ओ डैश सी, ओ बी और ओ डैश डी, ये दोनों हमारे पास क्या हैं, दोनों रेडियस हैं, रेडियस ऑफ ए कॉन्ग्रेंट सर्कल, और कॉन्ग्रेंट सर्कल की रेडियस है तो इक्वल होगी, तो क्या बोल देंगे, ये दोनों भी इक्वल हैं। अब हमारे पास देखो इस ट्रायंगल के अंदर तीन चीज़ इक्वल दिखा दी हमने, एक तो ये इक्वल दिखा दिया, दूसरा हमारे पास क्या इक्वल दिखा दिया, ए ओ और ओ सी, ओ बी और ओ डी, तो एक तो ये साइड दिखा दी, एक ये साइड दिखा दी और एक ये साइड, तीनों की तीनों साइड हमने इक्वल दिखा दी, तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए ओ बी, जो ए ओ बी ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्रायंगल सी ओ डैश डी के। कैसे, साइड 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 से एक्जियम से हमारे पास ये कॉन्ग्रेंट है, और जब हमारे पास दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो हम क्या लिख सकते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, किससे, बाई सी पी सी टी, तो क्या लिख देंगे, एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल सी ओ डैश डी बाई सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। ये दे रखा है कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल, जो कॉन्ग्रेंट सर्कल हैं दोनों उन पर जो कॉर्ड्स ड्रॉ कर रखी हैं, सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल, वो इक्वल एंगल बना रही कहाँ पर, ओ पर और ओ डैश पर, यहाँ पर वो क्या कर, इक्वल एंगल बना रही है। देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, तब हमें क्या प्रूव करना है, ये जो कॉर्ड है ए बी और सी डी, ये दोनों भी क्या हैं, इक्वल हैं, ये हमें प्रूव करना है। देखो कैसे,
जीवन में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने दो सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। दोनों सर्कल कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट सर्कल हैं। दोनों पे हमने ए बी और सी डी क्या कॉर्ड ड्रॉ कर ली, और ए बी सी डी कॉर्ड ड्रॉ करके उसको सेंटर से हमने ज्वाइन कर दिया। ओ ए और ओ बी हमारे पास रेडियस है, ओ डैश सी और ओ डैश डी भी रेडियस है। फिर हमारे पास क्या प्रूव करना है, देखो कि ए बी जो कॉर्ड है वो इक्वल है सी डी कॉर्ड की। गिवन में हमारे पास क्या आ जाएगा, टू कॉन्ग्रेंट सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ डैश। दो कॉन्ग्रेंट सर्कल हैं, एक का सेंटर ओ है और एक का ओ डैश। ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, ए बी और सी डी हमारे पास कॉर्ड ऑफ सर्कल हैं सेंटर ओ एंड ओ डैश, सच दैट एंगल ए ओ बी, और हमारे पास क्या दे रखा है एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ डैश डी ए, हमारे पास सारा का सारा गिवन है। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करके दिखाना है कि जो कॉर्ड है वो भी इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हमारे पास प्रूफ है क्या, इन ट्रायंगल ए ओ बी, एक ट्रायंगल हमारे पास क्या हो गई ए ओ बी, दूसरी ट्रायंगल क्या आ जाएगी सी ओ डैश डी। दो ट्रायंगल लेके चल पड़े, दोनों ट्रायंगल में देखो ओ ए, ओ ए हमारे पास क्या रेडियस है, इधर हमारे पास क्या ले लेंगे ओ डैश सी ले लेंगे, तो ए ओ इज इक्वल टू सी ओ डैश, ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी लिख देंगे। ये दोनों हमारे पास क्या है रेडियस ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल, जो हमारे पास सर्कल कॉन्ग्रेंट है उसकी रेडियस। और थर्ड हमारे पास क्या है एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डैश डी, ये भी इक्वल गिवन है हमारे पास, एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ डैश डी, हमारे पास क्या है गिवन। अब हमने तीन चीज़ इक्वल प्रूव कर दी, क्या क्या इक्वल प्रूव कर दी, दो तो हमने साइड, एक तो ये साइड और एक ये साइड, ये दोनों साइड और ये एंगल, ये तीन चीज़ प्रूव कर दी। तो हम क्या बोल देंगे, जब भी हमने ट्रायंगल की कोई भी तीन चीज़ इक्वल प्रूव कर देते हैं तो क्या बोलते हैं कि ट्रायंगल्स हैं वो कैसी हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। तो क्या बोल देंगे एंगल ए, ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल सी ओ डैश डी, बाई किस से, साइड एंगल साइड से, एस ए एस से। और जब हमारे पास दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि बाई सी पी सेट है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, और हम क्या बोल सकते हैं ए बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा सी डी के इक्वल, क्योंकि ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल, तो थर्ड है वो थर्ड के इक्वल होगा। तो क्या लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, और ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज थी 10.2। ओके, थैंक यू।